हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है धमाल। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सेटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट और फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। धमाल एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है, जिससे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद लंखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबू शान मोंती और दीनू पत दशमू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ाइक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लंखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबू शान दिनावत और उसके साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप रोथ। एडिट बाय डैबी प्रसाद लंखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाड। प्रोडक्शन कंपनी JP मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय JP मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड उसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट की 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहनती किरण आपको नज़र आने वाले हैं। दपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर अहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए जहाँ वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इसे हल्का नगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहाँ डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गांव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% लाया गया। सरदार ने गाँव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहते हैं। सरदार जान भाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबरिंगपुर काला हिंदी रागरा गजपति नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दंतुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्बत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहजा फरमाया। यकीन है आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबू शान मोंती और दीनू पत दशमू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ाइक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश गाइस। अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्य एंड देवी प्रसाद ललखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्य ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्य एंड डेबी प्रसाद ललखा। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबू शान दिनावत और उसके साथ सैनोग्राफी की बात करें तो सैनोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप रोथ। एडिट बाय डेबी प्रसाद ललखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स अमारा म्यूजिक ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया जबान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती किरण आपको नजर आने वाले हैं। द पिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफ़ा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ताखोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहां सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी पीएचसी जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गाँव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए डीएम से रजू करने के लिए सीडीएमओ से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जानें ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की डीएमओ सीडीएमओ वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती हैं। सरदार जॉन भाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबरिंग और काला हिंदी रा गरा गजपति नोकंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमा घरों में रिलीज़ किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और धनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मसला रद्दअमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात दीगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों ये है दमान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीन है आपको पसंद आई होगी। दमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान मोंती और दीनू पत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ीक़त से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लनखा राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है। उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लनखा। प्रोड्यूस्ड बाई दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाई, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबू शान दिनावत। और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाई डेबी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाड। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड उसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया जबान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट, यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती के रोल आपको नजर आने वाले हैं। दपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर अहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं, जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ताखोरी से करते हैं। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए डीएम से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जानें ले ली जहां सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहते हैं। सरदार जॉन भाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ताई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रास्ताई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबरिंग और काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्बरद अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात दीगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिससे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान मोंती और दीनू पत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और कबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ायक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद ललखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपंडरा सामल एंड स्टेरिंग बाय जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप रोथ। एडिट बाय डैबी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुरिया अनाट। ड्यूक्शन कंपनी, जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मेंस फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाई जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी। और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती के रोल आपको नज़र आने वाले हैं। द मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई पर PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इससे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया जहां सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इसे हल्का नगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहाँ डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गांव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं, इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गांव की DMO, CDMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% तक लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती है। सरदार जॉन बाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिले रास्ताई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रास्ताई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था, जिसका नाम कोरप्ट, मलका निगरी, नाबर, रिंगपुर, काला, हिंदी, रा, गरा, गजपति, नोकंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मसबत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात बेगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दमान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ऑडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिससे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद लंखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रसमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान, मोंती और दीनू पत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ीक़त से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लंखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपंडरा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैबी प्रसाद लंखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुरिया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट की 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं जिस मूवी में इसको शूट किया गया जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया। भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको दो ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, दो ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती के रोल आपको नजर आने वाले हैं। द पिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर अहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथियों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहां लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जला वतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहां सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इसे हल्का नगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं, इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहते हैं। सरदार जानबाई को अपनी मज़ीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिले रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या ओडिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था, जिसका नाम कोराप्ट, मलकानगिरी, नाबरिंगपुर, काला, हिंदी, रागरा, गजपति, नोपंडा और गंधमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और धनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई और पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्बत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन, जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है तमाम फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी, जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमाल एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है, जिसे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद लंखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रसमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान, मोंती और दीनूपत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ीक़त से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लंखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है, उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करे हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डेबी प्रसाद लंखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुरिया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट, यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबूशान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहनती जरूर आपको नज़र आने वाले हैं। द पिनवित डिश मोहा ओतरा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुनिशु से MBBS मुकम्मल किया है। ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर कि ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इससे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं, जहां लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ताखोरी से करते हैं। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गाँव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गाँव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इसे मलकानगिरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया, जिसने इतनी जानें ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% तक लाया गया। सरदार ने गाँव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती है। सरदार जानबाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या ओडिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रास्ताई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था, जिसका नाम कोराप्ट, मलकानगिरी, नाबरिंगपुर, काला हिंदी, रागरा, गजपति, नोकंडा और गंधमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और दंतुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को उड़ीसा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई और पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्पर रद्दमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ करने का इरादा कर रहे हैं। उड़ीसा हुकूमत ने उड़ीसा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन, जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात दीगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दामन फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी, जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ऑडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है, जिसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लनखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रसमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबू शान मोंती और दीनू पत दुश्मू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ैक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लनखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है, उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लनका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबू शान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैपी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया जबान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट, यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती तिरुनापो नजर आने वाले हैं, दपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नैक्सिलों के गलबे के लिए बदनाम है जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि EHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जानें ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% तक लाया गया। सरदार ने गाँव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इस अलविदा कहती है। सरदार जॉन भाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रसाई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबरिंग और काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंद हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्बत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी। कहानी जो कि अभी आपने मुलाहजा फरमाया, यकीन है आपको पसंद आई होगी। धमाल एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिससे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान मोंती और दीनू पत दशमू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ैक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद ललखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद ललखा। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैबी प्रसाद ललखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया जबान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है हिंदी जबान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट की 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबूशान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती के रोल आपको नजर आने वाले हैं, दीपेंद्र डिश मोहा ओत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंद्र फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहां सरदार और विंदा एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी पीएचसी जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए डीएम से रजू करने के लिए सीडीएमओ से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गांव की डीएम और सीडीएमओ वाले रहनुमा खकूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती है। सरदार जॉन भाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रसाई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबर रिंग और काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मसबरदमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात दीगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिसे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद लंखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रसमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान मोहंती और दीनूपत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ीक़त से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लनखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरफ पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया है, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लनखा। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबू शान दिनावत। और उसके साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डेबी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट की 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती जरूर आपको नज़र आने वाले हैं। दपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर अहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता कोई से करते हैं। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहाँ वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इससे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया इसकी पीएचसी जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गाँव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए डीएम से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहते हैं। सरदार जॉन बाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबर रिंगपुर काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद के 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मुस्बत-ए-अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहजा फरमाई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद लनखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रसमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान मोंती और दीनू पत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ैक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लनखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लनका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपंडरा सामल एंड स्टेरिंग बाय जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैकी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है बुरिया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाई जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहनती के रोल आपको नजर आने वाले हैं। द पिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी जिला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई पर PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते हैं। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहाँ वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जानें ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती है। सरदार जॉन बाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था, जिसका नाम कोरप्ट, मलका निगरी, नाबरिंगपुर, काला हिंदी, रा गरा, गजपति, नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरी की जानब से मस्बत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है जिसे विशाल मौर्य और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान, मोंती और दीनू पत दुश्मू हापतरा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और कबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ाइक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्य एंड देवी प्रसाद लनखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्य ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्य एंड डेबी प्रसाद लनखा। प्रोड्यूस्ड बाई दीपंडरा सामल एंड स्टेरिंग बाई, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैपी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड उसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया जबान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है हिंदी जबान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिलियन के 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबू शान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहनती के रोल आपको नजर आने वाले हैं। द पिनवित टिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नजर आएंगे। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथियों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहां लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते हैं। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहां सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तियाबी की वजह से इससे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जानें ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की CDMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गांव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहती हैं। सरदार जान बाई को अपनी मज़ीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ताई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या ओडिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था, जिसका नाम कोराप्ट, मलकानगिरी, नाबरिंगपुर, काला हिंदी, रा गरा, गजपति, नोपंडा और गंधमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और धनकुवत दुश्मू हापुतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्बत अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन, जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी, जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमान एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है, जिसे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद ललखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान, मोंती और दीनू पत दुश्मू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबायली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ीक़त से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लनखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपंडरा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सिनेमाग्राफी की बात करें तो सिनेमाग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप राउत। एडिट बाय डैपी प्रसाद लनखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाड। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड उसके अलावा रिलीज डेट इसकी है जी 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट के 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबूशान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहंती किरण आपको नज़र आने वाले हैं, डपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी जिला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई पर PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी, इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जानबाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहाँ लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जला वतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहां सरदार और रविंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहाँ डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गांव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं, इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते हैं। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% तक लाया गया। सरदार ने गाँव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इसे अलविदा कहते हैं। सरदार जानबाई को अपनी मज़ीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ताई इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या ओडिशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज़ की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 अजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोराप्ट मलकानगिरी नाबरिंगपुर काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंधमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सैनबर्ग फोरम में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन, मुनंती और तनकुवत दुश्मू हापुत्रा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई और पजीराई मिली रही है। नाजरीन की जानब से मस्पर रद्दमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन, जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है, टैक्सेस से मुतशना होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमे सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात देगर सरकारी मुलाजमीन की बेलोस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है तमाम फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी, जो कि अभी आपने मुलाहजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी। धमाल एक 2022 की इंडियन ओडिया स्वानिक हयात पर मबनी समाजी ड्रामा फिल्म है, जिसे विशाल मौर्या और देवी प्रसाद लंखा ने लिखा और हिदायतकारी की है और दीपीद रासमल ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में बाबूशान, मोंती और दीनू पत दुश्मू हापत्रा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म एक डॉक्टर की तोहमात के खिलाफ अंतिक जदोजहद और काबाइली लोगों को मलेरिया की बीमारियों के बारे में हक़ाइक़ से आगाह करने की जदोजहद पेश। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विशाल मौर्या एंड देवी प्रसाद लंखा। राइटर भाई हैं जिसने इस फिल्म को राइट किया है, जिसने इसकी स्टोरी लिखी है, उनका नाम भी विशाल मौर्या ही है और साथ उन्हीं की तरह पर डायरेक्ट भी इन्हीं नहीं दोनों ने किया है, यानी कि डायरेक्ट भी इन्होंने किया है और राइट भी इन्होंने किया, यानी कि विशाल मौर्या एंड डेबी प्रसाद लंका। प्रोड्यूस्ड बाय दीपेंद्रा सामल एंड स्टेरिंग बाय, जो इनमें मेन किरदार अदा करें हैं वो बाबूशान दिनावत और उसके साथ सैनोग्राफी की बात करें तो सैनोग्राफी ने की जिसने की है उनका नाम है प्रदीप रोथ। एडिट बाय डैपी प्रसाद लंखा। म्यूजिक जिसने इस फिल्म का दिया है उनका नाम है गुड़िया अनाट। प्रोडक्शन कंपनी जेपी मोटिशन पिक्चर्स, अमारा म्यूजिक, ओल्डिया मिन्स फिल्म्स, यहाँ पर आप जाके मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय जेपी मोटिशन पिक्चर्स ओडिया एंड इसके अलावा रिलीज डेट इसकी है 4 नवंबर 2022। दोस्तों, इसके अलावा ये जो मूवी है ये फरवरी 3, 2023 को हिंदी में रिलीज़ की गई थी और इससे पहले 4 नवंबर 2022 को जो है ना ये ओडिया ज़बान में रिलीज़ की गई थी और जो है ना ये फिर 3 फरवरी 2023 को जो है ना हिंदी ज़बान में इसको रिलीज़ किया गया था। रनिंग टाइम इसका 121 मिनट, यानी कि 2 घंटे की मूवी है। 2 घंटे की स्टोरी पर मोहित ये आपको मूवी देखने को मिलेगी। इस मूवी को जिसके ओनर हैं, जिस मूवी में इसको शूट किया गया, जिस मूवी मुल्क की मलकियत है वो है जी इंडिया, भारत में इसको रिलीज़ किया गया। लैंग्वेज इसको 2 ज़बानों में रिलीज़ किया गया, हिंदी और ओडिया, 2 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया गया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाबूशान मोहंती एज अ डॉक्टर, सरदार मेहनती किरण आपको नजर आने वाले हैं। दपिनवित डिश मोहा पोत्रा एज अ रविंद्रा मोदली के रोल में आपको नज़र आएंगे। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हम इस मूवी की स्टोरी में ये देखेंगे कि ये फिल्म 2015 की तरबियत दी गई है, तरतीब दी गई है। सिद्धार्थ एक नौजवान डॉक्टर जिसने भुवनेश्वर से MBBS मुकम्मल किया है, ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला के एक कटे हुए कबायली इलाके जानबाई PSHC में तैनात किया गया है। हुकूमत ओडिशा के रहनुमा खतूत के मुताबिक हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कोर्सेस में ज़ेर तालीम मेडिकल तलबा को 5 साल तक ओडिशा के कबायली या देहाती इलाकों में खिदमत अंजाम देना होंगे। बसूरत देगर इन्हें 5 करोड़ बॉन्ड की कीमत अदा करनी होगी। इसलिए सरदार को इसकी मर्जी के बगैर वहां जाना पड़ता है। जान बाई PHC जिसके तहत 151 गाँव हैं और नक्सलियों के गलबे के लिए बदनाम है, जिसमें बुनियादी सहूलियात नहीं है। सरदार काफ़ी मुश्किलात के साथ वहां पहुंचता है और रविंदर फार्मास्ट से मिलता है। इसके लिए नई जगह का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इसने इस्तीफा देकर गांव से फरार होने की कोशिश की। वहां से निकलते वक्त एक देहाती अपनी बेटी को इलाज के लिए ले आया, ये सोच कर के ये कोई डूबा भूत है, लेकिन तशखीस के मुताबिक इसे मलेरिया का पता चला। इसके साथों ने इसे बताया कि PHC के तहत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 151 देहात हैं जहां लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज भत्ता खोरी से करते। सरदार ने गांव में बेदारी फैलाने का फैसला किया। कुछ मकामी लोगों की मदद से वो पहले एक गांव गया और मलेरिया के मुफ्त टेस्ट कराने के लिए इनसे रब्ता किया। दूसरे गांव में वो एक लड़की की जलावतनी से बचाने में नाकाम रहा क्योंकि वो मर गई। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए अज़्म के साथ वो खुद टेस्ट किट्स और अद्वियात फराहम करने वाले तमाम देहातों का दौरा करता है। एक मखसूस गाँव के दौरे के दौरान नक्सलियों ने गाँव को हाई चेक कर लिया, जहाँ सरदार और विंदर एक हमला खातून को 10 किलोमीटर तक ले गए, जहां वो दरिया को अबूर करने के लिए कश्ती की अदम दस्तयाबी की वजह से इसे हल्का नेगरी अस्पताल ले जाने में नाकाम रहे। फिर इसे ले जाने का फैसला किया। इसकी PHC जहां डिलीवरी कामयाबी से हुई। जल्द ही इसे एहसास हुआ कि गांव वालों को मच्छरदानी की ज़रूरत है। इन्होंने फंड फराहम करने के लिए DM से रजू करने के लिए CDMO से मुलाकात की। किसी न किसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब है। 6 माह के बाद ये ज़ाहिर हुआ कि गाँव वाले मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ मकासद के लिए कर रहे हैं। इसलिए मलेरिया दोबारा लूट आया जिसने इतनी जान ले ली जहाँ सरदार खुद को बेबस महसूस करते। सरदार और रविंदर ने फर्ज किया कि शायद गाँव की DMO वाले रहनुमा खतूत के मुताबिक जाल का इस्तेमाल न करें। इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी अदारों की मदद से के नाम से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम की तजवीज़ पेश की। 3 साल बाद ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेरिया को दमान मौजूदगी में 40% से कम करके 4% पर लाया गया। सरदार ने गाँव वालों को अलविदा कहा क्योंकि वो जज्बाती तौर पर इस अलविदा कहती है। सरदार जान बाई को अपनी मजीद पढ़ाई के लिए छोड़ देता है। नाकाबिल रास्ता इलाकों में मलेरिया कंट्रोल का मखसूस है। दमन या डीशा की रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई एक स्कीम थी जिसने ओडिशा के नाकाबिल रसाई कबायली इलाकों में मलेरिया पर काबू पाने पर तवज्जो मरकूज की थी। इससे मलेरिया से मुतासरा जनूबी ओडिशा के 8 इजला के तमाम 69 ब्लॉक्स के तमाम 8000 देहातों में लागू किया गया था जिसका नाम कोरप्ट मलका निगरी नाबरिंगपुर काला हिंदी रा गरा गजपति नोपंडा और गंध हमाल है। नवंबर को फिल्म को ओडिशा के 51 थिएटरों और बनगोरों चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, रायपुर, पुणे और हैदराबाद की 415 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। नाकदीन ने बाबूशन मुनंती और दनकुवत दुश्मू हापुतरा की कारकर्दगी की तारीफ की। फिल्म को ओडिशा में और बाहर दोनों तरफ से पजीराई मिली रही थी। नाजरीन की जानब से मस्पर अमल मिलने के बाद फिल्म साल जल्द ही इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का इरादा कर रहे हैं। ओडिशा हुकूमत ने ओडिशा में दामन को टैक्स फ्री करार दे दिया। ओडिशा के वजीर आला नवीन पेंटाइन ने ऐलान किया कि दामन जो रियासती हुकूमत के मलेरिया के खात्मे के प्रोग्राम पर मबनी है टैक्सेस से मुक्त होगा। इन्होंने कहा कि इससे महकमा सेहत के मुलाजमीन और दूर दराज इलाकों में तैनात दीगर सरकारी मुलाजमीन की बेलौस खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई। दोस्तों, ये है दवान फिल्म की मुकम्मल स्टोरी कहानी, जो कि अभी आपने मुलाहिजा फरमाई। यकीनन आपको पसंद आई होगी।